हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससीबी। जैसा कि आप सभी को पता है गाइस, हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी थी, उसका ये आज आपको थर्ड पार्ट देखने को मिलेगा। और गाइस, जो आज के जो हमारा सेशन होने वाला है, इसमें मैं बेसिकली जो हमारे रिवर सिस्टम है उसको आज फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि रिवर सिस्टम से आपको एक पहले ही एक पार्ट दिया जा चुका है। तो आज के जो हमारे 25 क्वेश्चन होंगे गाइस, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि मैं उसको आपको इन डेप्थ नॉलेज बताऊंगा। तो ये आज हमारा 25 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन फॉर आपके एसएससी, और कोई भी अगर आपका स्टेट एग्जाम्स होते हैं, जो भी होते हैं आपके, वहाँ पे आपके जो जीएस का सेक्शन आता है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको एक क्वेश्चन जो हमारा नदी तंत्र है, जो हमारा रिवर सिस्टम है भारत का, क्योंकि भारत क्या है, नदियों का एक देश है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नदियां हैं, इसी कारण से ज्योग्राफी के अंतर्गत एक रिवर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है भारत में। जैसे कि आपको तीन सिस्टम देखने को मिलेंगे, इंडस रिवर सिस्टम हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं। इन सभी के कारण भारत जो है एक तरीके से नदी के जो हमारा टॉपिक होता है बहुत बड़ा होता है हमारे ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में। तो गाइस, ये ज्योग्राफी का ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो गाइस, जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख लीजिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज तिब्बत एंड इन बांग्लादेश, तो बांग्लादेश और तिब्बत में वो किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में वो जानी जाती है सांगपो, यानी कि यारलुंग सांगपो भी इसका आता है। और बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो यहां पर जानी जाती है जमुना, ठीक है, ये यहाँ पे जमुना के नाम से जानी जाती है, और तिब्बत में जानी जाती है सांगपो के नाम से। दूसरा आता है, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय व्हाट नेम इन अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में ये किस नाम से जाने जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और नीचे वाले पार्ट्स में ये सियांग के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द इंडस वाटर ट्रीटी, ये इंडस वाटर ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिंधु नदी समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो इंडस वाटर ट्रीटी, यहां पे लिखता हूं इंडो पाक, तो ये साइंड हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान किस डेट में? तो ये साइन हुई थी 19 सितंबर 1960 में। तो ये डेट आपने हमेशा लर्न रखनी है। द ओनली पेरिनियल रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है? जो हमारा सदर्न इंडिया है, एक तरीके से जो हमारा सदर्न पार्ट है वो हो गया हमारा पेनिनसुलर इंडिया। तो यहां पे पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब होता है सदाबहार, यानी कि वर्ष में हमेशा चालू रहने वाली नदियां, क्योंकि ज्यादातर भारत में क्या है, मौसमी नदियां हैं, जो नदियां सिर्फ ग्लेशियर से निकलती है वही केवल आपको पेरिनियल मिलेंगी। तो ये होगा आपका गाइस यहां पे कावेरी। कावेरी कहां से निकलती है? कर्नाटक के कुरुक जनपद से निकलती है। विच रिवर वाज पुरुषाणी इन द वैदिक पीरियड, तो पुरुषाणी नदी आपको क्या मिलेगी? ये हो गया आपका यहाँ पे रावी। रावी रिवर क्या है? वेदों में हमारे वेदों में जो ऋग्वेद है उसमें नदियों के पुराने नाम है, जैसे कि सिंधु का नाम वही है जो आज के डेट में आप इंडस कहते हैं, तो वैसे ही जो पुरुषाणी है ये नदी का नाम उसमें दिया गया, और वर्तमान में इसे रावी नदी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर डैम, इसे कब, पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ लेते, इज ऑन विच रिवर, यहाँ पे पूछा है किस रिवर में, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 17 सितंबर 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, और ये वर्तमान में गोदावरी नदी के, एक तरीके से यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है गाइस, गोदावरी नहीं होगा, ये यहाँ पे नर्मदा, ये नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है, कावेरी वाटर शेयरिंग इज अ डिस्प्यूट बिटवीन, कावेरी वाटर का ना डिस्प्यूट हो जाता है, दो जो हमारे साउथ इंडिया है वहां पे आपको दो स्टेट ऐसे मिलेंगे जहां पे इनके बीच में मतभेद है, इनका जो ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तमिलनाडु एंड कर्नाटक, तमिलनाडु एंड कर्नाटक के बीच में कावेरी वाटर शेयरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अब वो ये बोलते हैं कि आपने पर्टिकुलरली डैम बना रखे हैं इसलिए हमारे जो खेत हैं यहाँ पर पानी आ नहीं पाता, इरिगेशन अच्छे से हो नहीं पा रही है, तो उन सबको देखने के लिए उन सबके बीच में जो मतभेद हो रही है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो सूरत
किस नदी के किनारे हैं, ये आपने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर इज ताप्ती रिवर। ठीक है, ये तो ताप्ती रिवर है, ये जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहां से निकलती है, ये निकलती है सतपुड़ा रेंज से। ठीक है, ये निकलती है सतपुड़ा रेंज से। सतपुड़ा रेंज की जो सबसे हाईएस्ट चोटी है वो है आपकी धूपगढ़। हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज इज धूपगढ़। और सूरत, सूरत कहां पे है गाइस, ये गुजरात में है। ओके, विच इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया, यानी कि सिंचाई नहर, यहां पे आ गया आपका सिंचाई नहर। तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी हो गई, तो ये हो गई इंदिरा गांधी कैनाल, जो स्टार्ट होती है कहां से, हरिके बैराज, हरिके बैराज, जो कि सतलुज और ब्यास के संगम पर स्थित है पंजाब में। ठीक है, और ये थार जो हमारा मरुस्थल है, डेजर्ट है, वहां तक जाती है, यानी कि ये जाती है आपकी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीनों जगह की ही सिंचाई करती है। ओके, तो ये हो गया हमारा इंदिरा गांधी कैनाल, भारत की सबसे लंबी कैनाल है, यानी कि नहर है, 690 किलोमीटर समथिंग इसकी क्या है, लेंथ है। द फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन विच, तो यहाँ पे आपने बताना है कि ये किस नदी के पास में स्थित है। ये द्वारकाधीश टेम्पल जो है ना, ये बहुत फेमस है, तो ये है आपका गोमती नदी के किनारे, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, गुजराती कैपिटल क्या हो गई गाइस, गांधीनगर। गांधीनगर से वर्तमान में एमपी कौन है, तो वो है अभी अमित शाह। ठीक है, फोर्ट विलियम्स, फोर्ट विलियम का, फोर्ट का मतलब क्या था, किला। ये विलियम्स किसने बनाया था, ये बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1800 के आसपास बाय वेलेजली। ये एक तरीके से उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था उस समय। ठीक है, हेडक्वार्टर, तो ये आपने बताना है किस नदी के किनारे है। तो ये फोर्ट विलियम कोलकाता में है, और कोलकाता किस नदी के किनारे, हुगली रिवर। दूसरा आता है कोलकाता, अभी डायरेक्टली कोलकाता पूछ रहा है, तो ये किस नदी के किनारे है, ये भी आपका आएगा हुगली रिवर। ठीक है, कोलकाता खुद ही हुगली रिवर के किनारे। बनारस किस नदी के किनारे, बनारस से वर्तमान में सांसद कौन है हमारे, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये हैं हमारे। और ये किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। गुवाहाटी, ये गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, गुवाहाटी शहर जो है असम का, ये आपको किस नदी के किनारे मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ठीक है, श्रीनगर, श्रीनगर क्या है, भारत का स्विट्जरलैंड। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, यानी कि किस नदी के किनारे है, तो ये श्रीनगर हो जाएगा आपके गाइस, झेलम। श्रीनगर को बसाया किसने था, तो यहाँ पे अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछता है श्रीनगर किसने बसाया था, तो ये बसाया था अशोक ने, मौर्य शासक अशोक ने श्रीनगर को बसाया था झेलम नदी के किनारे। ठीक है, और ठीक है, अगला बढ़ते हैं, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, तो आपने नासिक बताना है ये किस नदी के किनारे है, तो ये हो गया आपका गोदावरी। ठीक है, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी। अगला ले लीजिए यहाँ पे, अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, तो ये जो अहमदाबाद है, ये हो गया आपका साबरमती नदी के किनारे। अब ये साबरमती नदी, अब क्वेश्चन आता साबरमती का लाल, साबरमती का लाल किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं गांधी जी को। ठीक है, यहाँ पे आपके दो तीन क्वेश्चन एक साथ बन रहे हैं। नासिक किसके लिए फेमस है गाइस, यहाँ पे आपने देखना है, तो नासिक इज फेमस फॉर ओनियन। ठीक है, जैसे नागपुर है महाराष्ट्र में, तो ये नासिक महाराष्ट्र में, आपने यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना है, तो गोदावरी नदी के किनारे है। उज्जैन, उज्जैन जो है ये एक बहुत बड़ा भारत का, एक तरह से हिंदुओं का यहाँ पे क्या है, एक धर्म स्थल है। ठीक है, होली प्लेस है, तो ये किस नदी के किनारे है, तो ये शिप्रा नदी के किनारे है, ये होगी आपकी शिप्रा नदी। द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, तो ये किस नदी के किनारे है ताजमहल। पहली बात तो ताजमहल 1631 में बनना शुरू हुआ था, किसके द्वारा, शाहजहां ने इसको बनवाया था, किसकी याद में, मुमताज महल की याद में, उसकी वाइफ थी। ठीक है, तो ये किस नदी के किनारे है, तो आपको पता है ये ताजमहल है यहाँ पे यमुना नदी के किनारे। जोग फॉल ऑफ कर्नाटक इज लोकेटेड ऑन, आपको पता है अभी भारत का सबसे ऊंचा फॉल झरना वो कौन सा है, कुचिकल है। ठीक है, तो ये कुचिकल से पहले कौन था, जोग था, जोग या फिर गारसोपा, ये आपको कर्नाटक में मिलेगा।
ये आपको मिलेगा श्रावस्ती नदी में, तो ये कर्नाटक के श्रावस्ती नदी में है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिमोगा, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में श्रावस्ती नदी पर है। 251 मीटर समथिंग इसकी क्या है गाइस, तो यहाँ पे इसकी हाइट हो जाती है 251 या फिर 252 आपको कई बुक्स में देखने को मिल जाएगा। अब आपको बताना है साउथ की गंगा हम किसे कहते हैं, यानी कि विच इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ, दक्षिण भारत की गंगा, तो ये होगी आपकी यहाँ पे गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। नासिक, अभी मैंने बताया था कि नासिक खुद गोदावरी नदी के किनारे है, तो त्रियंबक प्लेट्यू नामक एक क्षेत्र है वहां से नासिक, नासिक में है, और वो वहां से निकलती है हमारी गोदावरी नदी। शिव समुद्र इज एन आइलैंड, ये आइलैंड है, किसके द्वारा इसे बनाया गया है, तो किस नदी का है गाइस यहाँ पर, ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज देखनी है, दैट इज कावेरी। ठीक है, और ये जो गोदावरी है गाइस इसकी 1465 इसकी क्या है टोटल लेंथ है किलोमीटर में। द लार्जेस्ट मैनमेड लेक, भारत के अभी तक सबसे लार्जेस्ट मैनमेड, ये तो मैनमेड है, एक आता है गाइस यहाँ पे आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल में हो जाएगा यहाँ पे आपका वुलर। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, जेएनके में, और किसका पानी है उसके अंदर, झेलम नदी का पानी है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो लार्जेस्ट मैनमेड लेक है, तो ये हो गया आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर, तो ये हो गया आपका रिहंद झील में, रिहंद डैम में है एक तरीके से, और इसको हम रिहंद झील के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया आपका यूपी में पड़ता है। भाखड़ा नागल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो भाखड़ा नागल डैम आपको मिलेगा सतलज रिवर पे। ये सतलज रिवर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है राक्षसताल, यानी कि राक्षसताल जो कि है मानसरोवर में, तो ये आपने ध्यान देना है। और राक्षसताल भारत में किस पास से, किस एक तरीके से जो रूट होता है दो पहाड़ों के बीच में से पास कहते हैं, तो किस पास से एंटर करती है, दैट इज शिपकीला। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द टिहरी डैम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, तो ये टिहरी डैम खुद ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कि इसे हम बोलते हैं टिहरी गढ़वाल। भारत का सबसे ऊंचा डैम, इसकी हाइट कितनी है 260.5, तो ये किस नदी में, भागीरथी और भिलंगना नदी के कन्फ्लुएंस में आपको देखने को मिलेगा टिहरी डैम। किसकी हेल्प से बनाया गया था? रशिया की हेल्प से बनाया गया था। 2006 में इसने अपना काम करना स्टार्ट किया था, हालांकि 1972 में इसका काम होना स्टार्ट हो गया था, उसके बाद इस पे एनजीटी ने केस कर दिया था, उसके बाद ये 1978 तक यहाँ पे काम नहीं हुआ, फिर उसके बाद दोबारा से काम करना स्टार्ट हुआ, कुछ और दोबारा से अड़चने आई जिसके कारण 20 साल तक इसका काम ठप रहा। ठीक है, तो ये 2006 में इसने काम करना स्टार्ट करा था। तो गाइज ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, आपने क्या करना है गाइज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, क्योंकि इसी तरीके से कंटेंट हम आपके लिए आगे भी और लाते रहेंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपसे दोबारा मिलूंगा। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।